तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि दिवाली फोटो एडिटिंग कैसे करें। तो इसके लिए आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत होगी, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। देन आपको करना क्या होगा, इसको यहाँ पे ऐड करने के बाद ऐड फोटो पे जाएंगे। ऐड फोटो पे जाने के बाद अपने पिक को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जिसको भी आपको एडिट करना होगा। देन आपको रिमूव पीसी का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको रिमूव कर लेंगे ना इसका बैकग्राउंड। इतना हो जाने के बाद इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा जूम करके। देन आपको करना क्या होगा, इसके शेडो वाले ऑप्शन पे जाके इसकी क्लैरिटी और ब्लर को फुल कर लेंगे। देन आपको करना क्या होगा, ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फिर से ऐड वाले ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद एक प्रीसेट आपको यहाँ से लेना होगा, इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। देन इसको यहाँ पे ऐड लेने के बाद हम लोग इस प्रकार से जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पे हम लोग ब्लैक पे जाएंगे, ब्लैंक पे जाने के बाद इसको स्क्रीन करते हैं। देन आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको मूव डाउन कर लेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग इसको डन कर लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम लोग कलर टेक्स्ट कलर ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे यहाँ पे एक कलर ब्लर पे जाएंगे। ब्लर पे जाने के बाद कलर रिप्लेस का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करके हम लोग इसको अपने क्लोज पे ले जाएंगे। यहाँ पे इसका रिप्लेस हुई को जीरो कर लेंगे, देन यहाँ से इसको हम लोग डन कर लेंगे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, हम लोग को लाइट चाहिए होगी, तो जिसका हम लोग फिर से ऐड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ऐड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से एक लाइट को ले लेंगे, फिर यहाँ ब्लेंड पे जाएंगे हम लोग। ब्लेंड पे जाने के बाद इसको हम लोग स्क्रीन ऐड को ऐड कर लें। ऐड करने के बाद इसकी कैपेसिटी को हम लोग यहाँ से 60 कर लेंगे। इतना करने के बाद हम लोग इसको यहाँ पे इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है, यानी यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट लेने लेना है, इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। यानी यहाँ से हम लोग डन कर लेंगे। देन आपको करना क्या होगा, फिर से ऐड वाले ऑप्शन पे जाना होगा, यहाँ से हम लोग एक विकिनेटे को ले लेंगे। यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, इस प्रकार से आप ऐसे कर लेना। इतना करने के बाद हम लोग इसको ब्लेंड वाले ऑप्शन में फिर से जाएंगे। जाने के बाद इसको हम लोग ओवरले कर लेंगे, यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद हमको करना क्या होगा, फेस स्मूथिंग। फेस स्मूथिंग करने के लिए हम लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ब्लर का ऑप्शन होगा, ब्लर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी कैपेसिटी हम लोग 5 कर लेंगे। देन फेस वाले ऑप्शन पे जाके इसको इन्वर्ट कर लेना है और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। फेस स्मूथिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों को तो पता ही होगा। देन इसको हम लोग जल्दी से यहाँ कर लेते हैं। देन इसको स्किन पे अप्लाई करने के बाद यहाँ से हम लोग डन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं स्किन हमारी स्मूथ हो चुकी है। अब आपको इसको सेव करना है यहाँ से। देन आपको सेकेंड लाइट रूम ऐड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम आपको रीसेट का एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे थ्री डॉट पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको कॉपी सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे इसकी सेटिंग को कॉपी कर लेना है। देन आपने जो पिक को एडिट किया था यहाँ पे उसको ऐड करेंगे। ऐड हो गई है, इसमें करना क्या होगा, यहाँ पे थ्री डॉट पे जाके इसकी कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। लेकिन आप देख सकते हैं हमारी पूरी तरह से एडिट हो चुकी है बिफोर एडिटिंग। आप देख सकते हैं आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। लाइक और कमेंट करना ना भूलें।